he's Kushal. I belong to Kushal Center for Excellence. So guys, आज के दिन में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th मैथ एनसीईआरटी का चैप्टर 5 का. आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 के बारे में. सो ये पार्ट 2 है. अगर आप किसी ने पार्ट 1 नहीं देखा तो प्लीज मेरे आई बटन पर क्लिक करिए और वहां से जाकर पार्ट 1 देख लीजिए. सो इस पार्ट में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.1 और 5.2. 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और 7 और एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2. सो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1. ओ सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4. तो एक्सरसाइज 5.1 हां क्वेश्चन नंबर 4. और यहां लिख देते हैं हम एक्सरसाइज 5.1. एक्सरसाइज 5.1. सो क्वेश्चन नंबर 1, इफ ए पॉइंट सी लाइज बिटवीन टू पॉइंट ए एंड बी सच दैट ए सी इज इक्वल्स टू बी सी, देन इंप्रूव दैट ए सी इज इक्वल्स टू 1/2 AB. एक्सप्लेन बाय ड्राइंग द फिगर. अब हमें फिगर तो बनाना आता है, ए और बी बिटवीन सी का फिगर बनाना आता है. क्या करेंगे हम, ये बन गया ए, ये बन गया बी, ये बन गया ए, यहां बन गया ये सी. ओके, ये बनाना आता है हमें फिगर. अब फिर क्या करेंगे, ए सी इज इक्वल्स टू बी सी, बी सी ए सी. जैसे कि मैंने बताया था आपको, कुछ भी लिख सकते हैं, ए बी या बी ए. ओके, ये सब पार्ट 1 में मैं बता चुका हूं, ठीक है. सो ए सी इज इक्वल्स टू ए बी. ए सी वाला नहीं, ए सी जो गर्मियों में मस्त पूल कर देता है, वो वाला नहीं, ये वाला ए सी, ठीक है. फिर यहां पे क्या है, ए सी इज इक्वल्स टू बी सी प्लस ए सी जो है ये ए सी प्लस ए सी इज इक्वल्स टू बी सी प्लस ए सी, ये हो जाएगा बी सी प्लस ए सी. ओके, ये हमने क्या लिया है, बी सी सिर्फ ए के लिया है. ओके, बी सी चाहे हम दो भी ले सकते थे पर हमने यहां पे एक ले लिया, कोई बात नहीं. सो यहां पे क्या हो जाएगा, 2 ए सी. यहां पे क्या आ जाएगा, 2 ए सी. ओके, यहां पे 2 ए सी आ जाएगा. फिर इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, इज इक्वल्स टू ए बी. क्यों आएगा ए बी, ए सी तो 2 ही है, ए बी है. अब ये यहां पे क्या है, ए बी है पर यहां बी सी और ए सी है, तो इसे प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 0. सो अब यहां पे क्या आ जाएगा, ए बी. ओके, ये आ जाएगा, ठीक है. अब बात करते हैं ए, अब ये ए सी इज इक्वल्स टू 1/2 ए बी आ गया. कैसे आया, ये ए सी हो गया, ए सी और 2 ए सी है. सो हमने क्या कर लिया, 1/2 ए बी, ये कर लिया हमने. ओके, सो ये आ गया, ठीक है. 4 वाला क्वेश्चन का आंसर आ गया, 4 वाले का आंसर ये आ गया, ठीक है. अब बात करते हैं हम 5th वाले क्वेश्चन की. 5th में क्या दे रखा है, 5th में हमें दे रखा है इन क्वेश्चन 4. क्वेश्चन 4 में हमने देखा था पॉइंट सी इज कॉल्ड मिड पॉइंट. मिड पॉइंट कहते हैं क्योंकि ये मिडिल, बीच में है, मिड पॉइंट है. ओके, फिर ऑफ मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट का भी क्या है, लाइन सेगमेंट का पॉइंट है ये, ठीक है. सब लाइन सेगमेंट का पॉइंट है तो यहां पे हमने ये करना पड़ेगा, ठीक है. जब लाइन सेगमेंट का पॉइंट था ये कर लेते हैं क्योंकि लाइन सेगमेंट का साइन यही होता है. अब यहां देखिए कि इसके बाद दे रखा है ए प्रूव द एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट. हमें प्रूव करना है कि हर सेगमेंट का एक ये पॉइंट होता है, मिड पॉइंट होता है या नहीं होता है. सो अब देखिए कैसे करेंगे हम यहां पे. तो ए बी है एक तो ये, पर हर लाइन सेगमेंट का करना है तो ए सी सी है, यहां में डी भी करना पड़ेगा. जब यहां पे हम क्या करते थे, ये ऐसे सी करते थे तो यहां पे हमें डी करना पड़ेगा. अब ये हो जाएगा, ठीक है. तो क्या आ जाएगा यहां पे, ए सी तो आना ही आना है, इज इक्वल्स टू ये वाला, ये बिल्कुल हम लिख देंगे यहां पे. अब यहां पे इसे रफ कर देते हैं. हमारा
AC is equals to 1 upon 2, फिर यहाँ पे क्या आया था AB, ये हुआ था हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा AD, AD, AD भी आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि हमने क्या करा है D करा है, किसके लिए, हर लाइन सेगमेंट पे लाने के लिए, दो पॉइंट आए, मिड पॉइंट आए, ये भी क्या है मिड पॉइंट है, डी पॉइंट भी क्या है मिड पॉइंट है। अब इसी लाइन लाइन सेगमेंट में ये पॉइंट आ जाता है, इसी में ये पॉइंट आ जाता है ना। अब फिर देखिए यहाँ पे, अब हम क्या करेंगे, एडी एडी माइनस एसी, जब हमने यहाँ पे करा एडी माइनस एसी इज इक्वल्स टू क्या आया 1 upon 2 ए बी, 1 upon 2 ए बी माइनस 1 upon 2 ए बी माइनस 1 upon 2 ए बी, क्यों करा, क्योंकि ये ए सी का एक 1 upon 2 ए बी और एक ए डी का 1 upon 2 ए बी, ओके। अब यहाँ पे देखिए ये हो गया, अब यहाँ पे क्या आएगा, अब यहाँ पे देख लेते हैं कि इसके बाद, अब यहाँ पे ये आ गया, अब ए डी माइनस ए सी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, AD माइनस AC इज इक्वल्स टू 0, ये आएगा है ना। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा AC, अब यहाँ पे CD है तो इज इक्वल्स टू, हमें क्या करा यहाँ पे हमने कर दिया CD, चाहे ये हो गया है ना। फिर और क्या आएगा, और CD, ओके ये आएगा CD, CD इक्वल्स टू भी 0 आएगा, क्यों आएगा CD इक्वल्स टू 0, जब यहाँ 0 आया सो यहाँ पे भी 0 ही आएगा। अब जो हो गया, अब इससे पता चल रहा है कि ये सी और डी जो है ये कौन साइड है, क्या है पॉइंट साइड है, पॉइंट साइड क्या होता है आप कहेंगे, फर्स्ट पार्ट में दे रखा है ठीक है कौन साइड। अब यहाँ देखिए 5 क्वेश्चन भी कंप्लीटेड, अब 6 क्वेश्चन में आता है, इन द फिगर गिवन बिलो इफ ए सी इज इक्वल टू बी डी देन इम्प्रूव That AB is equals to CD. अब एक फिगर भी दे रखा है, फिगर में चलिए देखते हैं फिगर कैसे दे रखा है। देखिए फिगर दे रखा है ऐसा, इस टाइप का ये फिगर दे रखा है। अब यहाँ पे है A पॉइंट, यहाँ पे है C, यहाँ पे है D। अब D वाला हम कर चुके हैं इसलिए हम D भी लिखेंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, बी करेंगे, पर बी सॉरी हमने यहाँ पे सी कर रखा है, पर यहाँ पे क्या आएगा बी आएगा, क्यों आएगा बी, क्योंकि उसमें दे रखा है, तो मैं क्या करूँ, जब उसमें दे रखा है तो मैं क्या करूँ, है ठीक है ना, सॉरी यहाँ पे बी आएगा क्योंकि फिगर में दे रखा है, वरना तो हम कैसे बनाते हैं, हम जैसे बनाते हैं वैसे ही बनेगा। अब फिर यहाँ पे हम क्या दे रखा है, ए सी इज इक्वल्स टू बी सी, ए सी इज इक्वल्स टू बी डी, यहाँ लिख देता हूँ मैं AC is equals to BD, इधर का है AC is equals to BD, फिर क्या आ जाएगा AC is equals to, जब BD दे रखा है तो यहाँ पे क्या आएगा, फिर यहाँ सॉरी फिर यहाँ पे क्या करेंगे हम AC is equals to B, फिर दे रखा है हमें इम्प्रूव भी करना है कि AB is equals to CD, हमें इम्प्रूव करना है, तो कैसे करेंगे AB plus BC, AB plus BC करेंगे, AB plus BC, AB plus BC, तो AB plus BC, अब फिगर दे रखा है तो फिगर में सी कर लेते हैं सब चीज, जब फिगर दे रखा है इज इक्वल्स टू क्या है, यहाँ पे इज इक्वल्स टू है BC plus CD, क्या है BC plus CD, BC plus CD कैसा आया, ये है ये आ जाएगा ठीक है। अब जब हमने फिगर से सब चीज कर ली, अब ये जो BC है, BC इस साइड में भी लग रहा है, इस साइड में लग रहा है, बोथ साइड में लग रहा है, तो यहाँ पे हम कर लेंगे, यहाँ पे हम कर लेंगे AB plus BC minus BC, क्या करेंगे AB plus BC, ऐसे ही कर लेंगे, जब दो तरफ लग रहा है तो BC minus BC भी करेंगे, इस इक्वल्स टू क्या आएगा BC plus CD minus BC, ये तो आएगा minus BC कर देना है लास्ट में, minus BC, ओके ये आ जाएगा ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके बाद, अब इसे सॉल्व करना है, अब इसे सॉल्व करना है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा BC minus BC 0, अब यहाँ पे क्या कर देंगे BC minus BC
जीरो आ जाएगा, फिर यहाँ पे क्या है, ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस, क्या आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, बी सी माइनस बी सी इज इक्वल टू जीरो। सो यहाँ पे क्या आ गया, ए बी इज इक्वल टू सी डी आ गया। हमने प्रूफ कर दिया कि ए बी इज इक्वल टू सी डी, चाहे आप ऐसे भी लिख सकते थे ए बी इज इक्वल टू सी डी, चाहे ये भी हो सकता था, पर हमने क्या कर दिया, फिगर की मदद से सॉल्व कर दिया, पूरा सॉल्व करते हुए। अब यहाँ पे हमने लिखा भी था कहीं ए बी सी डी, हाँ हमने ऐसे करा भी था पर ध्यान नहीं दे रहा। सो कोई बात नहीं, हमारा प्रूव हो क्या आ गया, ए बी इज इक्वल टू सी डी। अब बात करते हैं हम सेवन वाले की। सेवन वाले में देखा है वाई इज एक्सोम फाइव इन द लिस्ट ऑफ इक्विट्स इक्विल्ड 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 एक्सोम्स कंसीडर्ड ए यूनिवर्सल ट्रूथ। नोट दैट द क्वेश्चन इज नॉट अबाउट द फिफ्थ पोस्टुलेट। अब यहाँ पे देख लेते हैं इसका, अब ये जो स्टेटमेंट है ये हर सिचुएशन में क्या होता है, ट्रू होता है। क्यों होता है, चलिए यूनिवर्सल ट्रूथ भी दे रखा है हमें। सो इट इज कंसीडर्ड ए यूनिवर्सल ट्रूथ, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है ये, वो सॉरी क्वेश्चन नंबर सेवन में जो है ये क्या कर रहा है, कंसीडर्ड करता है, कंसीडर्ड कर रहा है, कौन सी डर्ड करता है, किसको, यूनिवर्सल यूनिवर्सल किसको, यूनिवर्सल ट्रुथ को, टी आर यू टी एच ट्रुथ को, ठीक है। इसलिए ये अब आते हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट ट्रू होता है इन ऑल सिचुएशन, हर सिचुएशन में। अब आते हैं एक्सरसाइज 5.2। सो एक्सरसाइज 5.2 में क्या दरकार, चलिए देखते हैं। लाइन्स, क्या ये पैरेलल लाइंस है, अब ये हो गया ठीक है।
अब यहाँ पे जैसे मान लिया कि ये एल, ये क्या हो गई एल, ये क्या हो गई एम, ये क्या हो गई एन, अब ये सॉरी ये हो गई एन। मैंने बताया था कि ये जो एल होती है, एल एम जो होती है ये सेम होती है, पैरेलल तो होती है ये जो क्या होती है ये पैरेलल होती है, क्या होती है पैरेलल होती है किसके, पर ये सेम भी है, सेम है किसके एन, एन से एन वाली लाइन जो है एन वाली जो पैरेलल है वो। अब यहाँ देखिए कि ये जो होती है स्ट्रेट लाइन जो होती है स्ट्रेट लाइन एल, ये क्या है स्ट्रेट लाइन है एल, वैसे सभी स्ट्रेट लाइन है स्ट्रेट लाइन एल, फॉल ऑन टू लाइंस। अब ये जो स्ट्रेट लाइन है एल ये दो लाइंस पर क्या कर रही है फॉल कर रही है, जा रही है फॉल कर रही है ना दो लाइंस पर। अब किस पर लाइंस पर, एक एम और एक एन पर हमारे, ठीक है। फिर सच दैट सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन वन साइड ऑफ एल, ये जो ये जो इंटीरियर एंगल्स हैं साइड पर, किसकी साइड पर हमारा जो एल है ये एम है और ये एन, क्योंकि इंटीरियर के एंगल पर ये जो हमारा एल है इज टू राइट एंगल, ये बनाता है दो राइट एंगल बनाता है, कैसे बनाता है देखिए ऐसे, ये एक राइट एंगल एक ये बड़ा राइट एंगल है, कैसे बना रहा है छोटा एक बड़ा, ऐसे राइट एंगल बना रहा है, ठीक है। अब यहाँ देखिए बना रहा है टू राइट एंगल, देन बाय किसके किससे बना रहा है फाइव पोस्टुलेट से, किससे फिफ्थ पोस्टुलेट से, फिफ्थ पोस्टुलेट से, फिफ्थ पोस्टुलेट से किसकी इक्लुइड्स की, इक्लुइड्स इक्लुइड्स के, ठीक है ओके, इसकी मदद से बना रहा है। तो यहाँ हमने क्या कर दिया फिफ्थ पोस्टुलेट का पूरा एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। सो यही था आज का हमारा टॉपिक। सो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ गाइस, बाय।